पप्पांनी नक्की विजिट करा, जेवण खूप चांगलं आहे आपलं, घरगुती सारखं मसाले सगळे घरगुती यूज करतो. कडक मसाले अंकल ने हमें सजेस्ट किया, यह दिखने में तो बहुत ही ऑसम लग रहा है. उन्होंने जो जो चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं सब चीज़ बहुत ही टेस्टी है, और ये कुलीवाड़ा भी देखने में देखो बहुत ही, मतलब जितना आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छा दिख रहा है ना उतना ही यहाँ का टेस्ट है. अभी हम लोग ने ऑर्डर किया यहाँ पे मटन हंडी. रमेश, ओके रमेश जी हमें हमारे लिए लेके आए मटन हंडी. सारी चीजें मंगाई लेकिन ये टेस्ट हम लोग को अच्छा नहीं लगा. नान का रोटी है, बटर नान, ओके ग्रीन टी, लेमन टी, कोलकाता, घना घना पियो, घना घना पियो, डबल पियो. अच्छा घना घना पियो डबल पियो, देखो कैसी गरम गरम. तो गाइज आज हमारा एक रैंडम विजिट है, लाइक हम लोग साई कृपा में गए, जय मल्लार, मतलब दो तीन ढाबे हम लोग यहाँ पे हो गए. तो अभी हम लोग आज डिसाइड करेंगे कि पनवेल में अभी हम लोग कोई फिक्स नहीं है ढाबा में कौन से जा रहे हैं, तो हम लोग ये डिसाइड करके जाएंगे. ऋषि तो तुम दोनों देखो आज जो कौन सा ढाबा दिख रहा है जो अच्छा दिखेगा. आज आज हम लोग भीड़ के ऊपर डिपेंड करेंगे, जिधर भीड़ उधर घुसने, हाँ जिधर भीड़ उधर जाएंगे. सो लेट्स गो, वहाँ पे जाके हम लोग आपको बताएंगे कौन से ढाबे में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ का टेस्ट वगैरह कि आपको आना चाहिए या नहीं. तो फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया ये है होटल एक्विरा, और यहाँ पे तीन केबिन जैसा है बैठने के लिए, और अभी अंदर हम अभी देखते हैं यहाँ का फूड क्वालिटी कैसा है. तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सफर विद सागर, ओमकार, ऋषि एंड साहिल. तो फाइनली आज हम लोग ऐसा रैंडम विजिट था, तो ये है, एक बार एड्रेस बता दे साहिल, ऋषि. ये परसवा फाटा पे राइट साइड में आएगा रोड, सीधा सीधा जाओगे तो ओके, होटल एक्विरा करके नाम है. ओके तो हम लोग को भी अभी तक पता नहीं यहाँ का टेस्ट, हम लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो अंदर जाके टेस्ट वगैरह करने के बाद हम आपको बताएंगे यहाँ पे आना चाहिए. तो चलो हम लोग जो जो अंदर ऑर्डर करेंगे आपको सारी चीज़ें बताएंगे, यहाँ का प्राइस एंड ऑल. सो लेट्स गो. और बाय द वे ये जो पार्टी है ये है ओमकार की बर्थडे पार्टी, तो वंस अगेन विश यू मेनी मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे ओमकार. थैंक यू, बाय. तो ये है एक्विरा ढाबा, आप ऊपर भी बैठ सकते हो, लेकिन हम सब अभी यहाँ पे बैठ रहे हैं जो ऐसा केबिन जैसा बना है. थोड़े टाइम में आपको अंदर का व्यू में दिखा देता हूँ. ओमकार, साहिल, ऋषि, पार्किंग के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम ओपन रोड पे, ओपन रोड पे, और एयर का मजा ले रहे हैं. नहीं नहीं मजा आ रहा है, और अभी यहाँ पे ठंडी भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मजा आ रहा है प्रॉपर. कोई भी ढाबे में जाते ना ये डिश जरूर मंगाते, वो है हमारा फेवरेट चना कोलीवाड़ा. स्टार्टिंग में इसमें बहुत है लेकिन ना, मतलब बहुत वैरायटी है ना, बॉइल चना है, नहीं जिसमें वो लहसुन आते हैं वो कौन सा, वो चना कोलीवाड़ा है ना. हाँ ऋषि, जिसमें वो लहसुन आते हैं ना, चना कोलीवाड़ा ना. ओके, सूप मंगाते इस बार. तो स्टार्टिंग में हम लोग का आया अभी मनचाओ सूप, रख दीजिए अंकल. अभी सबसे पहले हम लोग सूप का टेस्ट करते, फिर हम लोग बताएंगे एक मेरा ढाबे का टेस्ट कैसा है. अभी अंकल ने तो बोला सब टेस्ट अच्छा है. वाओ, का सूप लगते है, मतलब पहला जो भी हम लोग अपना मंगाया अच्छा टेस्ट है सूप का, परफेक्ट है, परफेक्ट उनका चुंबा, परफेक्ट एक नंबर, मतलब टेस्ट अच्छा है स्टार्टिंग. और कड़क मसाला, आज ये चिकन कड़क मसाला अंकल ने हमें सजेस्ट किया, यहाँ का फेवरेट है चिकन कड़क मसाला ना. ठीक है, रख दीजिए. लहसुन कड़ी पत्ता, ओके, दिखने में तो बहुत ही ऑसम लग रहा है, अभी टेस्ट देखते हैं हम लोग कैसे है. कुछ नया आइटम है ये, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है यहाँ पे, रियल बताना कैसा है. ऊपर का मसाला लगा है ना वो बहुत टेस्टी लगा. अभी अंकल ने लाया चना कोलीवाड़ा, जो आप किसी भी ढाबे में जाओगे ना ये आपकी स्पेशलिटी है. अभी एक भी रख हम लोग देखते कैसे है. नहीं नहीं अच्छा, अभी तक जो जो मंगे ना अच्छा लगा अंकल, सही है, मतलब हम सजेस्ट कर सकते हैं किसी को भी. दिनेश सर शर्मा, ओके ठीक है सर. अभी आई थिंक बोम्बिल ना थोड़ा टाइम के बाद लाना अंकल, हाँ क्योंकि ना अभी ये बहुत इधर हो गए, चलेगा चलेगा, 15-20 मिनट के बाद लाना अभी. चलो पहले कड़क मसाला टेस्ट करो. एक्चुअली इसका कड़क मसाला नाम इसके लिए दिया हुआ है क्योंकि ऊपर ये ना पूरा मसाले का लेयर है, तो वो आप जैसे आप मुंह में
पीस लेते हो एकदम क्रश लग रहा है, मसाले का मतलब पूरा स्वाद अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली मंगाना। ये जो मैंने टेस्ट किया ना ऊपर, ये पूरा नारियल का मतलब इसके अंदर, मतलब नारियल जैसा मेरे गांव में लाइक मतलब लाइक कर्नाटका साइड कोकण साइड जाओगे ना तो वहाँ पे ऐसे आपको मतलब वो मुझे सेम अभी गांव की याद आई। तो हम लोग ने जस्ट रैंडम विजिट किया था अपन ने ऋषि, लेकिन सच में टेस्ट ऑसम है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, लुकिंग लाइक अ वाव। कोलीवाड़ा भी देखने में देखो बहुत ही मतलब जितना आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छा दिख रहा है ना उतना ही यहाँ का टेस्ट है। टेस्ट के लिए कैसा है दिखा था। अच्छा है भारी, जो भी चीज हम लोग ने मंगाया सारी चीज अच्छी है, तो बिंदास आके यहाँ पे मंगा लेना, जो जो हम लोग ने आइटम मंगाया वो जरूर मंगाना। अभी हम लोग ने यहाँ पे मंगाया बोम्बिल तवा फ्राई, और शर्मा जी अभी तक आपने जो जो सर्विस दिया थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सर्विस मिला और हमने सबको कि आप आ जाओ यहाँ पे, थैंक यू सो मच। थोड़े देर में अभी हम लोग खाना वगैरह मंगा लेते हैं। खाने में भी हम लोग आपको चिकन में लेंगे तो लपेटा अच्छा है, हाँ यहाँ का मतलब स्पेशल में लपेटा चिकन लपेटा मटन लपेटा है। ओके इसमें लेंगे तो आपको करी में मिल जाएगा, पापलेट चितड़ा। अच्छा मटन भी अवेलेबल है, मटन अवेलेबल, मटन लपेटा मटन हांडी। लेकिन मटन में बकरे का ही है ना, बकरे का प्योर कोई है नहीं। ओके ओके ठीक है चलेगा, थैंक यू, बता दे थोड़ी देर में आधे घंटे के बाद वगैरह, ठीक है ओके। गाइस हम लोग ने इतनी सारी चीजें मंगाई लेकिन ये टेस्ट हम लोग को अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली मैं जहाँ से बिलोंग करते हम लोग फिश ज़्यादा खाते तो इसलिए मैंने फिश मंगाया था, लेकिन सच में सच बोलो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा ना, मजा नहीं, ऐसा लग रहा है मैदा 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 ना। तो बोम्बिल फ्राई क्या तवा फ्राई था ना, तवा फ्राई, तवा फ्राई आप यहाँ पे आने के लिए मत मंगाओ क्योंकि इसका टेस्ट सच में हम लोग को नहीं अच्छा लगा। अच्छा शर्मा जी हाफ मटन हंडी चारों में हो जाएगा ना, अच्छा क्या है मटन हंडी या चिकन हंडी जो भी आप मटन पसंद करते हैं तो मटन का। अच्छा मटन मटन का क्वालिटी कैसे है, मटन में सर एकदम बकरे का अपना पसंद का बकरे का रहता है, और ऐसा नहीं है चर्बी पीस ऐसा गांव का है, गांव के बाजू वाले का है, बाजू में है अपना मटन का शॉप। ठीक है तो हाफ मटन हंडी बोल दो और भाकरी अवेलेबल है, भाकरी है ठीक है, दो भाकरी और रोटी, दो बटर रोटी एक बटर नान दो भाकरी और दो भाकरी ठीक है। मटन हंडी आपको कैसा, मीडियम स्पाइसी तेज स्पाइसी सब पतला जाड़ा कैसे, जाड़ा जाड़ा थोड़ा जाड़ा ग्रेवी जब ठीक है। ओके ओके आपका नाम क्या है, रमेश, रमेश ओके, रमेश जी हमें हमारे लिए लेके आए मटन हंडी, ओके भाकरी बोला है ना, ओके ओके भाकरी रोटी नान, ओके ये बटर नान है, बटर रोटी और भाकरी। अच्छा ये अपना मटन हंडी में पीसेस है ना, जी जी सर ओके, इसको टेस्ट करते और आपको बताते इसका टेस्ट कैसा है। और थैंक यू सो मच ओमकार फॉर योर बर्थडे पार्टी, एक्चुअली ये सब ओमकार का बर्थडे पार्टी है, हाँ सब सब कर दो, अरे कम है जो नली है ना वो मेरे में डाल दो। एक्चुअली मेरे को चिकन से ज्यादा मटन ही अच्छा लगता है, आगरी है ना, ओके ओके आगरी फूड आगरी मसाला, कांदा लेके आया ना, हाँ कांदा लाया कांदा, ओके। तो गाइस अभी हम लोग इसको भी टेस्ट करते हैं मटन हंडी को, एक नंबर है, एक नंबर खाऊंगा भाई, सच बता ना, एक मिनट सच बता ना कैसा डिश है ऋषि, ऋषि मेरे को सच पक्का नहीं 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 भाई, सच बताना सच बताना सच बताना सच बता नहीं सच बताना कैसा डिश है ऋषि, ऋषि मेरे को शालू शालू का शालू था, अच्छा उसका टेस्ट भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है, लेकिन ग्रेवी पतला है या ठीक है कैसे है, अच्छा है परफेक्ट है पतला ग्रेवी है, ओके साहिल पूछते हैं हम लोग मस्त है, कैसे ब्रो बताते मतलब पूछते हैं कैसे ग्रेवी चाहिए पतला चाहिए पूछते हैं हम लोग। अच्छा हाँ यहाँ पे हम लोग उन लोग ने पूछा कि आपको पतला ग्रेवी चाहिए थी ग्रेवी चाहिए, ओके तो मैं अभी टेस्ट करता हूँ, और ये है मेरा फेवरेट नली, अच्छे सिर्फ थोड़ा सा ग्रेवी पतला है मतलब इतना थिक नहीं है थोड़ा सा पतला है,
बाकी ओवरऑल टेस्ट अगर बोलू तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, लाइक ग्रेवी पतला इन अ सेंस। मुझे अभी ऋषि ने बताया हम लोग ने ग्रेवी पतला मंगाया था, अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप थिक ग्रेवी भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। सर आपको टेस्ट कैसा लगा? नहीं नहीं, टेस्ट एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद आई थिंक जीरा राइस, आप थोड़ा सजेस्ट करो क्या मंगे। सर इसके नंडी के साथ आप जीरा राइस भी, सादा राइस, प्लेन राइस भी ले सकते हैं। जीरा राइस बेटर रहेगा आई थिंक। ओके ओके, लास्ट में ऑर्डर किया है जीरा राइस। आ जाओ अंकल, आ जाओ। अरे सब नहीं ये भाईजान राइस आप मांगो। अभी अंदर ओनर है ना, जाते समय थोड़ा वो बात करने के लिए। ठीक है ठीक है, चलो। राइस भी मस्त, फ्रेश राइस, फ्रेश राइस है ना। नहीं नहीं, हम लोग ने जो भी मटन भी एक्चुअली फ्रेश था क्या? मटन भी हम लोग ने जो मंगाया ना वो भी फ्रेश था। मटन भी बहुत फ्रेश है, हम लोग ने मंगाया मेट्रो। लास्ट में आपको हैंड वॉश के लिए प्रॉपर बाउल यहाँ पे ला के देते हैं। सो ये हम लोग का बिल है, हम लोग ने मंगाया था ये मिनरल वाटर, कितना मंगाया था? एक ना 25 रुपीज। कोल्ड ड्रिंक के तीन बोतल मंगाए थे, दो दो, अरे इधर तीन मेंशन किया उन्होंने। ओके ओके, तो उसका 50 रुपीज कैसे 150। ग्रीन सलाद का है एक का कॉस्ट 60 रुपीज। चिकन कड़क मसाला 350 और मटन हंडी हाफ है 600 रुपीज। बोमबिल कोलीवाड़ा 250, हम लोगों ने दो मंगाया था तो 500 रुपीज़। बोमबिल तवा फ्राई एक 220 और जीरा राइस हाफ 70 रुपीज़। चिकन मंचाउस हम लोग ने 2x4 मंगाया था तो उसका है 240 रुपीज़। चना कोलीवाड़ा विथ लहसुन उसका है 160 का एक था, यानी कि 320 का दो। और बटर रोटी 6 हम लोग ने मंगाया था इसका 180। बटर नान एक 60 रुपीज़ और भाकरी का दो एक भाकरी 25 रुपीज़ और टोटल 50। और बाकी फूड अमाउंट टोटल हो गया 27, टोटल अमाउंट है 2955। आई थिंक थोड़ा जीएसटी 139 रुपीज़ लगा है, जीएसटी 139 रुपीज़। सर टोटल बिल हम लोग का हुआ है 3094। तो ये है अंदर का व्यू। दादा जेवण चांगलं होतं का? आपलं यूट्यूब चॅनल आहे आपलं हे, आम्ही ॲक्च्युली नेहमी जायचं साई ग्रुपाला आणि आपलं जे म्हणणार ना, आम्ही बोला रँडम जरा टेस्ट करू आपल्या व्ह्यूवर्स लोकांना पण दाखवू, तर टेस्ट खरंच चांगली होती। धन्यवाद, आम्ही नक्की व्हिजिट करणार इथे परत। धन्यवाद, आम्ही आज रँडम व्हिजिट केली थोडी टेस्ट बघायला, थोडं वरती पण जरा शूट करू तो बसायचा। ठीक आहे ओके, ओमकार या। तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है बैठने के लिए, हाँ ये फैमिली के लिए, और ऊपर ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो ये है ऊपर, ये इधर बैठने की जगह है, एसी है। अच्छा ये एसी है क्या? अंदर एसी हॉल है। ओके ओके, ये यहाँ के स्टाफ है सब। अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा है यहाँ पे खाने का, तो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। एसी हॉल, आपका नाम क्या है दोस्त? रमेश नाम है सर। रमेश, ओके। तो रमेश जी हमें दिखा रहे अभी एसी रूम। ये क्या बाजू में इंटीरियर बहुत अच्छा गया है। इधर भी ओपन है सर। अच्छा ये ओपन ओपन स्पेस है क्या? जी सर, जी सर। ओके ओके, यहाँ पे भी देखो यार बैठने के लिए आपको बहुत अच्छी स्पेस है। आगे टीवी है। अच्छा आगे टीवी भी है। अच्छा ये एसी रूम है। यहाँ पे मतलब चार्जेस कैसे है? ज्यादा है थोड़ा, मतलब तो भी कितना अंदाज बाहर से थोड़ा, समझो अगर चिकन तंदूरी अगर किसी ने मंगाया तो समझो अगर 500 का है, हाँ 550, मतलब 50 रुपए का फर्क है। ओके ये देखिए एसी हॉल है पूरा बैठने के लिए। नहीं वो रहना ही चाहिए। चलो थैंक यू सो मच यार, स्टाफ भी बहुत अच्छे है यहाँ पे, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हमें, थैंक यू। चलो इंटीरियर बहुत अच्छा है यहाँ पे, मैं नक्की विजिट करा। जेवण खूप चांगलं आहे आपलं, घरगुती सारखं, मसाले सगळे घरगुती यूज करतो। ओके सगळे घरगुती यूज करतात ना? ओके अगरी मसाले, अगरी मसाले स्टार्टिंग 1970 होता। अच्छा नाही नाही, आणि प्राइस? ओके प्राइस पण रिझनेबल आहे आणि सगळं प्रॉपर आहे एकदम। मसाला तुमचं कुठलं आपण म्हणलं? कडक मसाला, कडक मसाला त्यामुळे स्पेशल आहे। अच्छा स्पेशल आहे, नाही खूप चांगला, खरंच खूप चांगली टेस्ट आहे। धन्यवाद, आम्ही नक्की आमच्या व्ह्युअरला सांगा इथे व्हिजिट करायला नक्की। तुमचं नाव काय आहे दादा? सतीश वाकडे, सतीश वाकडे। ओके थँक्यू सो मच, बाय।
सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो और अगर जेन्युइन रिव्यू दूं तो ये ढाबा बहुत अच्छा है, आप सच में यहाँ पे विजिट करो। अभी तक हम लोग ऐसे उस ढाबे में हम लोग गए जहाँ पे रिव्यू अच्छे थे, ये हम लोगों ने रैंडम विजिट किया एक मेरा ढाबा है, जो जो हम लोगों ने डिशेज मंगाए वो सारे डिशेज आप टेस्ट करो, जो हम लोगों को नहीं पसंद है हम लोगों ने जेन्युइन बताया वो हम लोगों को नहीं पसंद है, और ये ढाबा आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा और रीजनेबल प्राइस है, आप फैमिली के साथ आ सकते हो, फ्रेंड्स आ सकते हो, कपल्स आ सकते हो। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हो ऋषि ओमकार साहिल? सब टेस्ट सही था, बस अपना एक आइटम था, क्या नाम था वो, टेस्टी नहीं है वो, छोड़ के आप कुछ भी मंगा सकते हैं टेस्टी, बस आप सच में आ जाए आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और थोड़े देर के लिए आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया, मुझे अपना मान लिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और वंस अगेन विश यू अ मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ओमकार। थैंक यू। बोल सो मच पार्टी दिल्याबद्दल, थैंक यू सो मच फॉर पार्टी ओमकार। खारगर में हम लोग आए हैं लेमन टी पीने, क्या लेमन टी, ग्रीन टी, लेमन टी, घना घना पियो, क्या पूछ रहे हो, घना घना पियो, घना घना। थ्री स्टार होटल के सामने वही पे मिलता है ये, रात को कितने बजे तक रहता है ग्रीन टी, एक रात को एक बजे तक रहता है ये ग्रीन टी, दो बजे तक रहता है, ओके दो बजे तक चालू रहता है। चलो दिल खुश कर लेते हैं हम लोग, लेमन टी, ग्रीन टी, लेमन टी, कोलकाता से घना घना पियो, घना घना पियो, डबल पियो, अच्छा घना घना पियो, डबल पियो। चलो गाइज अभी हम लोग टेस्ट करते और वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते, देखो कैसी गरम गरम ये निकल के, ठंडी बहुत ज़्यादा है ना इसके लिए भी हम लोग पी रहे हैं। घना घना टी है, अच्छा घना घना मतलब डबल।